यहाँ पर जाम लग गया है। हाँ बे हाईवे पे बताओ साला जाम लगा है, वही तो। हाँ हो सकता है डाइवर्जन वर्जन हो, इसलिए हो सकता है लगा हो जाम। ओ चिल्ला रहा बहुत। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज रजनी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार पिछले दो दिन का मैं व्लॉग ही नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि यार नेट बहुत बुरा चल रहा है यहाँ पे। पर क्या बोल सकते हैं अब यार, अब वहीं लखनऊ पहुँच के ही जो अपलोड करेंगे वीडियो वहीं अपलोड हो पाएगा। तो बट यार अभी फ़िलहाल आज का प्लान ये है कि आज निकलना है हम लोग को वापस लखनऊ, क्योंकि सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मतलब हो चुका है, निपटा चुके हैं। तो आज 1 बजे तक निकलेंगे, तो शाम के 5-6 बजे तक जब भी पहुँचेंगे वही पहुँच पाएंगे। तो यार अभी टाइम हो रहा है 10:21 हो रहा है, पर यार आज का मौसम बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ मैं, पूरा बादल हुआ पड़ा है। और अभी मम्मी से बात हुई तो मम्मी बता रही हैं कि वहाँ लखनऊ में पूरा मतलब धूप निकला पड़ा है यहाँ पे, लेकिन यार बहुत मतलब आज बहुत ज़्यादा बादल हुआ पड़ा। क्यों बे? और कल रात में तो बारिश भी हुई थी। कल रात में बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी यार, क्या बता। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है साला, ठंडी ख़त्म होना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा बादल भी है देखिए अभी। हाँ और बादल तो आजकल तो धूप निकल देखने का कहाँ मिल रहा है। तो यही है यार, कपड़ा नहीं सूख रहा है इसीलिए 2 दिन से नाइबो नहीं किया। 2 दिन की 2 महीना नहीं 2 दिन 2 दिन पे नहीं वो नहीं किया भाई, लगा 2 महीना हमको लगा 2 महीना। और तुम? हम तो अभी कल आए भैया लग तो नहीं रहे। हाँ सही बात। तो गाइस नहा वहा के हम लोग अभी खाना खा रहे हैं बैठ के, और ये देखी देखा मैं नहाया तो ये भी नहाया, फिर ये भी नहाए, आज गए अपने घर पे नहा के आए, जो 2 महीने नहीं नहाए थे वो आज नहाए। तो गाइस ये अभी खाना वाना खाते हैं, तो खाना खाने पर तैयार हो? हाँ तैयार है। तैयार है सब लोग, फिर अभी खाना वाना खा के निकलना है। क्यों पैकिंग वैकिंग हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया सब। तो पैकिंग वैकिंग सब रेडी है, तो खाना खाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं यार। और क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यार बाद में लखनऊ में एक तो जाम भी मिल सकता है। तो गाइस अभी मैं मामा के यहाँ से आ गया हूँ यहाँ दादी के घर, क्योंकि यार वहाँ मतलब कि वहाँ से इन लोग को लेके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये प्लान था कि दादी को लेके फिर निकलना था, बट हुआ ये कि यार लेट हो गया निकलते निकलते वहाँ से। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज गया है, तो अभी देखते हैं पापा गए हैं गाँव में वही का क्या बोलते हैं न्योता उता देने, तो देखते हैं यार अब आते हैं पापा, उसके बाद देखते हैं पापा पूछते हैं क्या प्लान है आज का, निकलेंगे कि नहीं। मेरे को जहाँ तक लगता है शायद आज नहीं है निकले, का है कि लग रहा है भाई अब एक अभी गए हैं तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ पे कुछ बात बात करते। तो यार कसम से क्या बता, मेरा तो मैं तो कसम बता रहा हूँ बस एज अ ड्राइवर अब किया हूँ, मेरे को जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं ड्राइवर के तौर पर वहाँ वहाँ चल रहा हूँ, लेकिन मेरा तो मन है अगर 2-3 बजे भी निकले तब भी मैं निकलने के लिए रेडी। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, और क्योंकि यार फाइनली मतलब पापा आए, पापा बोले चलो आज ही निकल जाते हैं। और रात में क्या ही होगा यार, पूरा हाईवे है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अभी बज चुका है, टाइम हो चुका है 5:30, तो 5:30 बजे हम लोग पहुँचे यहाँ पे गाँव से करीबन 90 किलोमीटर दूर, और यही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इनका है, दादी का, हमारी दादी है। 3 बार उल्टी कर चुकी है, कितने बार में? 3 बार 3 बार उल्टी कर चुकी है, और सबसे जहाँ 50 बार कितने बार मतलब हर जगह जाके 5-5 मिनट रुकवा के रोक भाई रोक बाबू रोक मुंडी बाहर कर और तीसरे तो मुंडी बाहर कर करके उल्टी कर रही है। चलो ठीक है यार, बुजुर्ग है ऐसा होता रहता है। और एक तो पापा का आज यार सबसे ज्यादा दिक्कत है, आज ट्यूजडे है तो पापा का आज व्रत है, लेकिन फिर भी पापा अपना मतलब फल फूल खा के काम चला रहे हैं। तो यही हम लोग रुके थे यहाँ पे होटल पे कुछ खाने पीने के लिए, तो अभी खा पी चुके हैं, तो अभी निकलते हैं यार। मिनिमम मेरे को यहाँ तक लगता है यहाँ से अब 150 किलोमीटर बचा है, तो रात के 9 बज जाएगा पहुँचते। तो अब चलते हैं यार, पहले अब निकलते हैं क्योंकि आराम ही से चलेंगे, क्योंकि रात का टाइम है यार तो उतना भगा नहीं सकते। तो अभी निकलते हैं आराम से चलते हैं फिर। यहाँ पर जाम लग गया है। हाँ बे हाईवे पे बताओ साला जाम लगा है, वही तो। हो सकता है डाइवर्जन वर्जन हो, इसलिए हो सकता है लगा हो जाम। यार ओ चिल्ला रहा बहुत सही। हाँ यार डाइवर्जन ही था ये, देखो यहाँ दिखाओ तो उधर बे लिखा है गोस्लो कंपलसरी कीप लेफ्ट, ये यहाँ पे लिखा है कंपलसरी कीप लेफ्ट, और यहाँ पे लिखा है गोस्लो, मतलब चलो ठीक है डाइवर्जन कुछ मेंटेन कर रहे होंगे ये लोग हाईवे वाईवे इसकी वजह से। तो यार जाम तो हट गया, अब उम्मीद यही है कि यार पूरा रास्ता खाली मिले, क्योंकि यार अब रात का टाइम है, वैसे खाली मिलना चाहिए, मतलब बाइक वाले तो कभी नज़र आएंगे, तो यही उम्मीद है अब खाली रोड मिले यार, डाइवर्जन वाइवर्जन कहीं ना हो, मेंटेनेंस कहीं ना हो, तो
अभी देखते हैं मिलेगा कि नहीं, आपको पता नहीं। गाइस अभी दूसरे टोल प्लाजा पे आ गए हैं। यहाँ पे पूरा एकदम ट्रकों का ढेर लगा, ये देखिए आगे पीछे हर जगह ट्रक ही ट्रक। तो अभी दूसरे टोल प्लाजा पे आ गए हैं, अभी पहले थोड़ा आगे रुकते हैं यार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइट का वो दिक्कत हो गया, मतलब पता नहीं क्यों नीचे जा रहा है इसका लाइट, तो वो देखते हैं अभी रुक के थोड़ा कुछ फ्रेश भी हो लेते हैं यार, आँख वाँख धो लेते हैं। मैं एक तो पहली बार चला रहा हूँ ना रात में, एक तो पहली बार कार ही चला रहा हूँ मैं इतने लॉन्ग टूर के लिए, क्यों पापा? उससे पहले आशीष मिश्रा, इससे पहले भैया चलाया करते थे, बट अभी भैया का ऑफिस का छुट्टी नहीं मिला तो हमको ही आना पड़ा। तो अभी एक तो रात में चला रहे तो आग में मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अभी पहले आग वाग धो लेते हैं और इसका लाइट वाइट सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे भैया लाइट ऊपर नीचे कर रहे हैं। अभी तो ही नहीं रहा, मतलब कहाँ से सेट होता है? का ऊपर जा रहा है? देखो हाँ हाँ जा रहा है। पक्का? हाँ जा रहा है। नीचे जा रहा है। देखिए यही गड़बड़ था, इधर दिखा इधर ये वाला। अभी इसको पूरा ऊपर कर देते हैं। ठीक यही। तो गाइस यहाँ पे रुके हैं और मजा आ रहा है बे, बहुत मजा। और तुमको? मजा आ रहा है, रात में घूमने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। वैसे अबे चले जाने दो, आवाज एक तो इन लोग का आ रहा है ट्रक वालों का। वैसे रात में चलाने में हमको भी बहुत मजा आ रहा है, एक तो पहली बार चला रहे हैं, ऊपर से मजा। लाइट के बीच में थोड़ा दिक्कत हो गया था बट अभी सॉल्व हो गया है, अभी और भी ज्यादा मजा आ रहा है। पीछे ये लोग बैठ के तो यार कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल बे? बोलेंगे हाँ, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। पहली बार इतना दूर ये जा रहे हैं? नहीं, रात का समय में जा रहे हैं। हाँ रात के टाइम पे। वैसे मजा आ रहा है यार, मतलब उतनी ठंडी में ठंड लग रही है? वही तो ठंड लग रहा है, हल्का तो ठंड है ही। तो अभी यार यहाँ पे सेकंड टोल प्लाजा पार कर चुके हैं, अब एक ही टोल प्लाजा बचा है। तो अब इसके बाद फिर अब कुछ चाय नाश्ता यहाँ पे भी करते हैं भाई, और ऊपर से पापा का व्रत है यार, तो पापा को हमेशा मतलब पापा को तो पिलाते ले चलना भाई, मतलब क्योंकि आज उनका व्रत भी है। तो अभी पहले चाय वाय पीते हैं पहले यहाँ पे, फिर निकलते हैं। अब एक ही टोल प्लाजा बचा है, तो अब मिनिमम 7 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से 2 घंटा लगेगा पूरा घर पर पहुँचने के लिए। तो अभी चाय वाय पीते हैं पहले। प्लाजा पहुंच गए हैं, अब ये इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब इसके बाद घर सीधा, और ये भी क्रॉस हो गया, अब बस बचा है सीधा घर। यहाँ से मिनिमम कितना बचा होगा पापा? 30-40 बचा है बस किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर बस यहाँ से अब बचा है लखनऊ। तो अब सीधा लखनऊ चल के मिलते हैं मम्मी से। तो गाइस फाइनली मम्मी से मुलाकात हो गई 2 दिन बाद ना। बहुत याद आ रहा था मम्मी, बहुत हमको भी बहुत याद आता, रात में सोते समय और याद आता है। मम्मी लेकिन बहुत भोली है, बहुत भोली है। गोल मटोल एकदम। और आपको एक बात बताएं, ये जो बुढ़ी है कार में ही डाक दी भाई पूरा, अभी आधे टाइम क्यों पे। और जिनको बोलते हैं एक कहावत है ना कि क्या, नहीं आसमान तक गिरे खजूर काट के, आसमान पूरा पार करा है हम लोग। घर पे जैसे पहुंचे, बस कितना दूर था मतलब कॉलोनी के लाइन में अपने घुसे, जैसे घुसे
कार में मतलब पूरा तहस नहस कर दिया, हमको उल्टी आ गई। हाँ बोल रही है हमको उल्टी, और भाई बात नहीं समझ में आता, 3-4 मीटर रहा होगा और क्या। अरे यार तो मत याद दिलाइए, अब साफ अम्मी की है। अच्छा, लेकिन चलो ठीक है यार, बुजुर्ग है, वही बुजुर्ग है, आशीर्वाद देगी, देगी ना रे बुढ़िया। हाँ दिए नहीं, जोर से बोल, हाँ देखो देखो गाइस, डाक वाक के पड़ी है, अब 4 दिन तक, अब 4 दिन तक नहीं उठेगी। तो अभी आए हैं यार, अब मूड फ्रेश करते, मम्मी चाय बनाई पहले। चाय बनाई, बुआ यहाँ हमारी चाय पी रही है, और यहाँ हमारे कुंवर भैया जो कि यहाँ पहुँच चुके हैं, चाय हम भी पीने जा रहे हैं। और बुआ खाने में क्या क्या बना है? खाने में चावल, खाने में बना पनीर और लेग पीस, लेग पीस, ब्राह्मण का घर है, सब होता है। सब बैठो और चाय पियो, चाय पियो, बहुत मीठा जी, कितना पातर पातर लाइक आए नहीं आयु। दादी एक होटल पे रुकी थी तो कुल्लड़ बहुत नीक था, बोले ले नहीं आई। वही तो वह पी होती, उसी को पानी डाली होती। हाँ। ले आती थी। हाँ। चलो ठीक है, तो ये कहा है देखो, तो अबे भाई अच्छा आप लोग बताइए, कुल्लड़ ना यही तो है, चीनी मिट्टिया मिट्टी का तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग का खाना वाना सब हो चुका, सब लोग खाना वाना खा के बगल वाले कमरे में सब लोग सो रहे हैं, बस अभी दोनों जग रहे हैं यहाँ पे, और टाइम हो चुका है 12 बज गया करेक्ट बताऊँ तो, रात के 12 बज गया अभी। तो यार अब तो सोने का प्लान ही है, सोएंगे ही हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, बहुत थक गए हैं। पर यार आज मज़ा बहुत ज़्यादा है यार, बहुत मज़ा है, मतलब मैं सच बात बताऊँ तो रात में मैं पहली बार इतना, मतलब कार इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलते हैं 250 किलोमीटर में पहली बार चलाया हूँ कोई कार, और पहली बार मैं इतना दूर आया हूँ, और पहली बार ये इतना दूर आया हूँ रात में। तो यही है यार, पर अभी 12 तो बज ही गए, बट ये शायद सो जाएगा मेरे को, लेकिन सोते सोते 2 बज जाएगा क्योंकि मेरे को आज वाली वीडियो भी एडिट पर लगानी है अभी, और कल वाली वीडियो भी मैं वहाँ पे एडिट नहीं कर पाया था, और परसों वाला जो ब्लॉग बनाया था मैं वहाँ पे एडिट हो नहीं पाया था, वो आप लोग देख ही लेंगे उसमें पता चल ही जाएगा वीडियो में। तो यही है यार अभी मैं और पढ़, लेकिन परसों वाली ब्लॉग मैं एडिट, मतलब कि एडिट वडिट करके अभी अपलोड पे लगा दिया हूँ, अभी अपलोड हो रही है, 50% हो चुकी है। तो यही है यार फिलहाल, और बस कल लेकिन हो सके तो कल और भी मज़ा आए, क्योंकि कल है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो कल तुमको भी बहुत मज़ा आएगा। क्यों? अबे कल 26 जनवरी तुमको लखनऊ का वो दिखाएंगे। हाँ भैया चलिए हमको भी। हाँ तो कल यार हम आज तक, सच बात बताऊँ तो मैं लखनऊ में 4 साल से रह रहा हूँ, पर मैं आज तक कभी मतलब कि लखनऊ का परेड देखा ही नहीं, ना 15 अगस्त का, ना 26 जनवरी का, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कुछ भी नहीं देखा। तो कल यार पहली बार हम ये जाएंगे, देखेंगे वहाँ का परेड कैसा होता है, क्या होता है। पहली बार हम भी जा रहे हैं, ये भी पहली बार जा रहा है भाई, बताओ मैं 4 साल तक रह के नहीं जा पाया, ये पहली बार आया, पहली बार जाएगा। तो यही है कल का, और भी अच्छा दिन जाए। तो और अभी इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड यहीं पे, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए भाई प्लीज़। तो भाई अब यही सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए भाई, टारगेट है 1K जल्द से जल्द। और बस मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, तब तक के लिए बाय बाय।